हाँ बच्चों, तो मैटर के कितने होते हैं स्टेट? तीन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे ज्यादा एनर्जी होगी गैस की और सबसे कम एनर्जी होगी सॉलिड की। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ तो क्योंकि रिकॉर्डिंग है, ठीक। तो सॉलिड पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है बच्चों? सबसे कम होगी, उसके बाद एनर्जी बढ़ेगी तो कौन, तो वो क्या बन जाएगा? लिक्विड। और एनर्जी बढ़ाएंगे तो गैस। लिक्विड टू सॉलिड, ये क्या होता है बच्चों? फ्यूजन, फ्रीजिंग या फ्यूजन फिनोमेना, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले इसमें कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, क्या मेल्टिंग पॉइंट, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? है पॉइंट, वो पॉइंट का मतलब क्या होता है? क्या है पॉइंट? वो पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड स्टार्ट करता है मेल्ट होना। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड सॉलिड 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 द लिक्विड एट विच द सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट। इसको हम बच्चों ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों को एग्जिस्ट कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? को एग्जिस्ट, यानी कि 0 डिग्री टेम्परेचर पे H2O अगर लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा, और 0 डिग्री पे अगर H2O सॉलिड है तो वो सॉलिड। तो 0 डिग्री पे दोनों ही स्टेट एग्जिस्ट कर सकती हैं, को एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें दोनों स्टेट, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट, को एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है ना? लिखा दूं या समझ में आ गया आपको? ठीक है ना। अच्छा, अब मेरा फिर से अगला बड़ा भयंकर सवाल है मेरा आप लोगों से कि आइस के केस में मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? कितना भयंकर सा आंसर है इसका? 0 डिग्री सेल्सियस। समझ गए ये बात? ठीक है, ये लाइन लिखो बच्चों एक बार जरा, आप लोग यहीं से उठाएंगे हम अपने फिजिक्स को। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, इज 0 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल प्रेशर, एट नॉर्मल प्रेशर। यानी कि बच्चों अगर एक आइस क्यूब लो आप, क्या लो? एक आइस क्यूब, और यहां लगाओ थर्मोमीटर। क्या लगाओ इधर? तो थर्मोमीटर कितना दिखाएगा? ये 0 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा बच्चों। और ये 0 डिग्री दिखा इसलिए रहा है क्योंकि अभी ये आइस जिस प्रेशर पे है, ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कितना है बच्चों? ये नॉर्मल प्रेशर है। अब नॉर्मल प्रेशर कितना होता है बच्चों? हमारे सर पे अभी नॉर्मल प्रेशर कितना है? 180। दो दो चार। तो हाँ, तो बच्चों अगर हम लोग किसी भी तरीके से, अच्छा कितना है हमारे सर पे अभी आप सबके ऊपर नॉर्मल कितना प्रेशर लग रहा है बच्चों? 1 एटीएम लग रहा है। 1 एटीएम अभी आप सबके ऊपर नॉर्मल प्रेशर लग रहा है बच्चों। 1 एटीएम में कितना होता है पास्कल, पता है आपको? 1.013 × 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना? इतना प्रेशर अभी आप सबके ऊपर है, इसको बोलते हैं हम लोग 1 एटीएम, 1 एटीएम। अगर ये जो प्रेशर है मैं 1 एटीएम से बढ़ा दूं, 1.5 एटीएम कर दूं, 2 एटीएम कर दूं, तब भी क्या जो वाटर है 0 डिग्री पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? तो हमने क्या देखा? नहीं, नहीं करेगा एग्जिस्ट।
हम जब इसके ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज कर देते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज होने से आइस अब 0 डिग्री पे सॉलिड स्टेट में नहीं होता। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट का जो जो टेम्परेचर है 0 डिग्री, ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? नॉर्मल प्रेशर के लिए एप्लीकेबल है। यहां से एक आइस क्यूब को उठा के आप चले जाओ हिल स्टेशन का, चले जाओ हिल स्टेशन, 0 डिग्री पे आपको आइस, आपको वाटर जो है ना 0 डिग्री पे वो सॉलिड स्टेट में नहीं मिलेगा। किसमें नहीं मिलेगा? सॉलिड स्टेट में नहीं मिलेगा। कौन सी स्टेट में मिलेगा वो आपको? लिक्विड स्टेट में मिलेगा, है -1। तो उसी पे अभी धीरे धीरे आ रहे हैं हम लोग बच्चों। तो समझने वाली बात यह है कि एक टैगलाइन, एक बात जो आपको अपने दिमाग में फिट कर लेनी है कि अगर हम प्रेशर को चेंज कर देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है? प्रेशर पे डिपेंड करती है। अब देखना यह है बच्चों कि प्रेशर के चेंज होने से मेल्टिंग पॉइंट यानी कि 0 डिग्री पे क्या फर्क पड़ता है। तो देखो जरा बच्चों, हम बात करते हैं अभी नॉर्मल प्रेशर की। एट नॉर्मल प्रेशर हमने मान लिया कि 0 डिग्री। नॉर्मल प्रेशर पे क्या होता है बच्चों? नॉर्मल प्रेशर पे मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री से अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा तो हमारा जो वाटर है वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में। नॉर्मल प्रेशर अगर है 0 डिग्री से -1 कर दूंगा, कौन सी स्टेट में आ जाएगा वो? सॉलिड स्टेट में। यस या नो बच्चों? यस या नो? फिर से, प्रेशर अगर नॉर्मल है और -1 आपने कर दिया टेम्परेचर, तो जो आपको वाटर है कौन सी स्टेट में दिखाई देगा? सॉलिड स्टेट में दिखाई देगा। नॉर्मल प्रेशर है 1 डिग्री सेल्सियस पानी कर दिया, टेम्परेचर कर दिया, तो वाटर कौन सी स्टेट में दिखाई देगा आपको? लिक्विड स्टेट में दिखाई देगा। ठीक है तमनदीप बेटा? बट अगर मैं इस प्रेशर को हाई कर दूं, क्या कर दूं बच्चों? प्रेशर को अगर हम हाई कर दे, हाई प्रेशर, देखो बच्चों हाई प्रेशर पे अब आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये 0 डिग्री से -1 -2 -3 -4 -5, कहाँ पहुंच गया? ये -5 डिग्री पे आ गया, -5 डिग्री। यानी कि बच्चों अगर प्रेशर हाई है और 0 डिग्री है तो आपको वाटर कौन सी स्टेट में दिखाई देगा? लिक्विड स्टेट में। प्रेशर हाई है, टेम्परेचर -1 डिग्री कर दिया, प्रेशर हाई है, वाटर कौन सी स्टेट में नजर आएगा? लिक्विड स्टेट में ही नजर आएगा। मिल गया आंसर बेटा? प्रेशर हाई है, प्रेशर ज्यादा कर दिया आपने, प्रेशर ज्यादा करने से मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई अब? -5 डिग्री। यानी कि अब -5 डिग्री आपका मेल्टिंग पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। अब 0 डिग्री नहीं है, खत्म हो गया 0 डिग्री वाला कंसेप्ट, जिसको आज तक आप 0 डिग्री बोलते आ रहे थे वो खत्म हो गया। अब वो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया आपका? -5 डिग्री। तो -5 डिग्री वो टेम्परेचर होगा जहां पर लिक्विड और सॉलिड दोनों क्या करेंगे? कोएग्जिस्ट करेंगे। -1 डिग्री पे आ गया बच्चों, प्रेशर हाई है, -1 डिग्री पे आ गया, आपको पानी जो है, वाटर जो है, सॉलिड स्टेट में नजर आएगा कि लिक्विड स्टेट में नजर आएगा? लिक्विड स्टेट में नजर आएगा बच्चों। -2 और ठंडा कर दिया, -2 डिग्री कर दिया, अभी भी वाटर कौन सी स्टेट में नजर आएगा आपको? लिक्विड स्टेट में नजर आएगा। -3 डिग्री कर दिया, लिक्विड है, बर्फ बनी नहीं रहा। आप बोलोगे यार पानी तो पागल हो गया, क्या हो गया? पानी तो बावला हो गया, वाटर क्या हो गया? बावला हो गया। क्या हो गया आज पानी को? -3 पे लेके आ गए लेकिन अभी भी
जम नहीं रही है क्या होगा? अब वो तेरी गलती नहीं, अब तो बहुत दिनों में आज पढ़ रहा है फिजिक्स, तो एकदम तुझे समझ नहीं आ रही, धीरे धीरे समझ में आ रही वो, ठीक है ना। माइनस फोर कर दिया, क्या कर दिया? माइनस फोर, इतना ठंडा कर दिया भैया, लेकिन पानी बावला हो गया। पानी क्या हो गया? अभी भी कौन सी स्टेट में है? अरे यार कमाल कर दिया पानी ने तो। अरे यार तुझे पता है पानी ने कमाल कर दिया? अच्छा क्या कर दिया यार? मैंने हाई किया प्रेशर और माइनस फोर डिग्री कर दिया। पानी पानी ही है, पानी वॉटर लिक्विड स्टेट में ही है। मैं सोच रहा हूँ कि कब ये बर्फ बने, कब आइस बने, और मैं अपनी विस्की में डाल के और दो दो घूंट मारूं। बनी नहीं रहा। माइनस फाइव डिग्री कर दिया। अभी भी नहीं है, उसी में ही है, लिक्विड में ही है। जब आपने माइनस सिक्स किया, क्या किया? तब जाके वो बने आइस के टुकड़े। क्या बने? आइस। तो प्रेशर हाई करने से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया आपका? बढ़ रहा है, घट रहा है? घट रहा है। माइनस में आ गया बच्चों, माइनस में। घट रहा है, बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है? और ये फिनोमिना आप चाहो तो अपने घर में कर सकते हो। घर पे कैसे? बताता हूँ कैसे। आप क्या करना, आज सारे अपने अपने घर पे आइस क्यूब लेना। क्या लेना? खुद बोलता है, खुद ही हंसता है। देख तो बेटा, आवाज नहीं है। क्लास का मूड मत खराब करो है, क्लास का। आपने क्या किया? आपने आइस क्यूब लिया। आप जनरली आइस क्यूब लेते हो और आइस क्यूब लेने के बाद उस आइस के क्यूब को ऐसे उंगली से पकड़ के प्रेस करना। क्या करना? दबाना, ठीक है ना। क्या करोगे आप जब उसको जब दबाओगे उसको, क्या करोगे आप उसको? आपने क्या कर दिया उसको? दबा दिया। अब सुनो, जब आप उसको प्रेस करो, क्या करोगे उसको? जब दबा रहे हो उसको, ठीक है ना। तो प्रेस करने के बाद ना, जिस जंक्शन पे आपने उसको प्रेस कर रखा है, जिस मॉलिक्यूल को, जिस पार्टिकल को आप दबा रहे हैं, वो पार्टिकल पिघल जाएगा बच्चों। वो पार्टिकल क्या होगा? पिघल जाएगा। फिर आप क्या करो, फिर आप उसको, उस आइस क्यूब को किसी बर्तन में रखो या किसी पेपर के ऊपर रखो और छोड़ दो। वो जो लिक्विड जमा हुआ था, जीरो डिग्री का जो पार्टिकल था, क्या? क्योंकि बेटा आइस क्यूब है, मैं आइस क्यूब की बोल रहा हूँ, क्योंकि आइस क्यूब के सारे पार्टिकल किस टेम्परेचर पर होंगे? जीरो डिग्री सारे। मैं भी जीरो, अच्छा मैं भी जीरो, अच्छा तू भी, अच्छा मैं भी जीरो पे हूँ, सब जीरो पे हैं। और आपने क्या किया बच्चों? आपने जो जो मॉलिक्यूल जीरो डिग्री पे थे जीरो डिग्री को सबको धर के दबा दिया। जब आप लोगों ने सबको धर के दबा दिया, तो सारे मॉलिक्यूल पे आपने क्या बढ़ा दिया? प्रेशर। अभी की शक्ल ऐसी हो गई, ठीक है। इन सभी मॉलिक्यूल की, जो मॉलिक्यूल पहले ऐसे थे, क्या थे? ऐसे थे, वो सारे ऐसे हो गए। क्या कर दिया आपने? धर के दबा दिया, इनकी शक्ल बिगाड़ दिया आपने। है? आपने जब इन पे प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो प्रेशर को इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ बच्चों? डिक्रीज हो गया। मेल्टिंग पॉइंट अब जीरो डिग्री से कहां पहुंच गया? माइनस फाइव पे कहां पहुंच गया? माइनस। तो जो जीरो डिग्री पे का मॉलिक्यूल था, वो कौन सी स्टेट में आ गया? लिक्विड स्टेट में आ गया। इसलिए वो जो मॉलिक्यूल था, वो जो पार्टिकल था, जो दबा हुआ था पार्टिकल था, वो किसमें, कौन सी स्टेट में आ गया? वो लिक्विड स्टेट में आ गया। और जैसे ही आपने वो प्रेशर रिलीज कर दिया उसके ऊपर से, क्या कर दिया? तो फिर वापस वो किस पे आ गया? नॉर्मल प्रेशर में। और वो जो मॉलिक्यूल जो लिक्विड बन चुका था, वो फिर से क्या बन गया? आइस। फिर से क्या बन गया? वो सॉलिड। तो सॉलिड फिर से क्यों बन गया बच्चों? सॉलिड फिर से क्यों बन गया?
क्योंकि आपने वो जो हाई प्रेशर था वो क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। जैसे ही आपने हाई प्रेशर रिलीज कर दिया, प्रेशर फिर से कितना हो गया, नॉर्मल। जब प्रेशर नॉर्मल हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट फिर से कितना आ गया, 0 डिग्री। और 0 डिग्री पे जो वाटर है वो कौन सी स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में। तो क्या बन गया, वो सॉलिड। फिर से बच्चों, आपने आइस क्यूब लिया, प्रेस किया, जब प्रेस किया तो मॉलिक्यूल ने, तो प्रेस करने से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने से अब 0 डिग्री का मॉलिक्यूल कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में आ गया। जैसे आपने प्रेशर रिलीज कर दिया, प्रेशर रिलीज करने से मेल्टिंग पॉइंट फिर से कहाँ आ गया, 0 डिग्री पे आ गया। और 0 डिग्री का मॉलिक्यूल फिर से क्या बन गया, आइस बन गया। तो एक खेल खेल रहे आप मॉलिक्यूल के साथ, क्या कर रहे हो उसके स्टेट को, कभी क्या कर रहे हो आप लोग, सॉलिड कर रहे हो, कभी लिक्विड कर रहे हो, कभी सॉलिड कर रहे हो, कभी लिक्विड कर रहे हो। एक ही मॉलिक्यूल है, कितनी बार मारोगे उसको, कितनी बार मारोगे बेटा, एक ही मॉलिक्यूल है, कितनी बार जान लोगे उसकी, ट्यूलिप बेटा। अगर आप एक, ठीक है ना, अगर आप बहुत बड़ी आइस क्यूब के ऊपर बैठ जाओगे, क्या कर जाओगे, हैं? अगर आप अगर आप बहुत बड़ी आइस क्यूब के ऊपर क्या कर गए, बैठ गए, तो जहां आप बैठोगे बहुत धीरे धीरे क्या करोगे आप लोग, बैठे बैठे क्या होगा, बैठे जिस जगह पे आप बैठे होंगे वो जगह क्या होगी, खड्डा हो जाएगा ना, और आपको आपको लगेगा कि आइस, आपको लगेगा कि वो आइस क्यूब आपको अपनी तरफ खींचता है नीचे की तरफ, और धीरे 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 है? है? क्या हुआ, धीरे धीरे गया अंदर, वो गया अंदर वो, और मुसीबत तो यहां आएगी कि जब आप बैठे हुए थे तब वो लिक्विड बन गया था, जब आप धस गए आप तो मॉलिक्यूल का प्रेशर फिर से कितना हो गया, नॉर्मल। सारा पानी जम गया ऊपर का, पानी क्या हो गया, सारा पानी क्या हो गया, क्या देखो, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो तो मान गए मेरी बात को, और जो है टेम्परेचर नहीं नहीं बता रहा, उसमें अभी आ रहा हूँ मैं, देख रहा। अरे सुनो बच्चों, हाँ बताऊंगा, बिल्कुल सही कह रहे, तू बिल्कुल ठीक कह रहे, बताऊंगा भी बेटा। यहाँ देखो जरा, अरे तो ये जो फिनोमेना है बेटा, अब तुम खड़े हो जाओ वहां से, मैं तुम्हें बहुत अच्छे देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी आ गया हूँ, जल्दी 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 बेटा, जल्दी से आ गया जाओ। तो बच्चों ठीक है ना, यहाँ जो जो फिनोमिना देखा आपने, एक बार आप प्रेशर को हाई कर दोगे, क्या कर दोगे, हाई कर दोगे, तो मेल्टिंग पॉइंट आपका डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। जब आप प्रेशर फिर से नॉर्मल कर दोगे तो जो मॉलिक्यूल जो लिक्विड बन चुका था वो फिर से क्या बन जाएगा, सॉलिड। इस फिनोमिना को हम लोगों ने नाम दिया रीग्लेशन फिनोमिना। क्या नाम दिया, रीग्लेशन फिनोमिना, ठीक है। रीग्लेशन को आप लोग इस लैंग्वेज में जानते हैं, सुनो जरा, रीग्लेशन का मतलब होता है फ्रिज, क्या फ्रिज, हाँ रीफ्रिज है, तो रीफ्रिज मतलब रीग्लेशन, मॉलिक्यूल का दोबारा जम जाना, ठीक है ना। हेलो आ जाओ,
हाँ फिर से रिग्रेशन फिनोमेना। इसमें हम लोगों ने क्या क्या करा, खैर इसके काफी सारे एग्जांपल है बच्चों, ठीक है ना। एक मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल रिग्रेशन का, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों, आप में से कोई एक जो था बालक, मान लो किसको लें, कौन है जो बिजनेस करना चाहता है अपनी लाइफ में? ऐसे नहीं, मतलब रियल में कह रहा हूँ, मतलब हैं? नहीं, कोई अगर किसी को भी, चलो आपको देता हूँ, देखो अरे दांत ना फट जाता तू। तो ये मान लो वरिषा है और वरिषा को बिजनेस करना है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, इसने एक आइस की सिल्ली ली, क्या ली, बर्फ की सिल्ली, हाँ ब्रिक, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बड़ी सी ब्रिक ली इसने, ठीक है ना, ब्रिक। और ये ब्रिक लेकर मोहल्ले में गई, और इसने ईंटों के ऊपर क्या रख दी, एक बर्फ की सिल्ली रख दी आइस। अरे अभी करेंगे स्टार्ट, अभी करेंगे स्टार्ट, ये तो रॉ मटेरियल है बेटा। जो मैं बोल रहा हूँ ना वही लगना चाहिए। क्या ये बर्फ की, हाँ सिल्ली बेटा, बड़ा आवाज नहीं आवाज। फिर वरिष्ठ ने क्या करा बच्चों, इसने एक बहुत बड़ी रस्सी ली, रस्सी स्ट्रिंग ली बहुत बड़ी, और यहाँ पे बहुत हैवी लोड बांध दिया। क्या बांध दिया, बहुत हैवी लोड, इस एंड पे भी लोड है, इस एंड पे भी लोड है इसने, और उस पूरी रस्सी को इसने लपेट दिया सिल्ली के ऊपर ऐसे। ठीक है ना, ये ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब बिजनेस हो गया यहाँ से स्टार्ट। अब आसपास सारे मोहल्ले के जो बालक थे, बच्चे थे, वो इसके आसपास खड़े हो गए फिनोमिना देखने के लिए। तो इसने बोला, देखो बच्चों मैं तुम्हें एक जादू दिखाती हूँ, जादू आज एक चमत्कार मैं तुम्हें दिखाती हूँ जादू। ये जो रस्सी जिस मॉलिक्यूल के ऊपर है, ये आइस के मॉलिक्यूल है बच्चों। किसी मॉलिक्यूल है, ये आइस के पार्टिकल्स हैं। आइस के पार्टिकल्स पे ये जो रस्सी है, ठीक है, ये मान लो ये आइस का मॉलिक्यूल है, इस पे क्या है, ये रस्सी है। अब जो ये स्ट्रिंग है बच्चों, ये स्ट्रिंग क्या अप्लाई कर रही है मॉलिक्यूल पे, प्रेशर अप्लाई कर रही, नहीं कर रही, क्योंकि दोनों जो लोड है वो खींच रहे हैं रस्सी को नीचे की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, बहुत ताकत से खींच रहे हैं ये। और बीच में कौन है, ये मॉलिक्यूल है, ये आइस का मॉलिक्यूल है। आइस के मॉलिक्यूल पे क्या बढ़ गया, प्रेशर, प्रेशर बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया इनका, डिक्रीज हो गया, -5 डिग्री हो गया। आइस के सारे मॉलिक्यूल 0-0 डिग्री पे थे, किस पे, 0 डिग्री पे। प्रेशर हाई होने से ये अपनी स्टेट को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। स्टेट चेंज होते ही ये मॉलिक्यूल सॉलिड से कौन सी स्टेट में आ गए, लिक्विड स्टेट में आ गए। और जैसे ही ये लिक्विड स्टेट में आते हैं, ये अपनी जगह को छोड़ देते हैं बच्चों, क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और स्ट्रिंग क्या आ गया, नीचे आ गया स्ट्रिंग। जैसे ही स्ट्रिंग नीचे आ गया बच्चों, जो रस्सी सी जो धागा था वो नीचे आ गया बच्चों, ऊपर के मॉलिक्यूल पे प्रेशर क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। जैसे ही ऊपर के मॉलिक्यूल का प्रेशर रिलीज हो जाएगा, ऊपर के मॉलिक्यूल फिर से क्या बन जाएंगे, सॉलिड। आपको क्या दिखाई देगी, रस्सी नीचे आ गई और ऊपर बर्फ जम गई, ठीक है ना। अब रस्सी कहाँ है, रस्सी अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर है, कहाँ है रस्सी, अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर है बच्चों। जब इस ये मॉलिक्यूल के ऊपर ये रस्सी है, तो ये मॉलिक्यूल पे प्रेशर क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। जब इन पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो ये वाले पार्टिकल भी जो आइस के पार्टिकल थे, वो कौन सी स्टेट में आ जाएंगे, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। जैसे ही ये लिक्विड स्टेट में आगे पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, इनका मॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाएगा, तो ये अपनी जगह क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और रस्सी कहाँ जाएगी, ये नीचे। और ये वाले मॉलिक्यूल जो लिक्विड बन चुके थे, फिर से क्या बन जाएंगे, ये सॉलिड। उसके बाद ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ये वाले मॉलिक्यूल फिर से क्या बन गए, लिक्विड, जगह छोड़ दी आइस। ये रस्सी कहाँ गई बच्चों, जो स्ट्रिंग थी, पतली सी स्ट्रिंग थी, वो नीचे आ गई। रस्सी बोल रहा हूँ बट स्ट्रिंग है पतली सी, ठीक है, स्ट्रिंग नीचे आ गई। ऐसे करते 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 क्या होगा, ये रस्सी एक ऐसा टाइम आएगा, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग बच्चों क्या होगी, नीचे आ जाएगी। ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है नीचे आ जाएगी,
और ये सिल्ली कटेगी नहीं बीच में से। बिना सिल्ली के टुकड़े हुए रस्सी क्या हो गई बच्चों? आर पार हो गई। बच्चे बच्चे बोलेंगे ओ दीदी मजा आ गया दीदी दीदी। और दीदी और दीदी ने बोला कि बच्चों जाओ घर से चावल चीनी लेके आओ अपने अपने घर से। चावल चीनी आटा लेके आओ, उसके बाद दूसरा जादू दिखाऊंगी मैं। तो बस इसने भर लिया अपना पूरा झोला चावलों से। बिजनेस नहीं है ठीक है ना, बिजनेस। तो बच्चे फिर से, तो ये जो फिनोमिना, ये जो फिनोमिना आपने देखा, इस फिनोमिना में हम लिक्विड, हम आइस के मॉलिक्यूल को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? लिक्विड में। फिर से किसमें लेके आ रहे हैं उसको? सॉलिड में। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम लोग? रीग्लेशन फिनोमिना, ठीक है ना। अब बच्चों रीग्लेशन फिनोमिना को आप डिफाइन करो जरा एक बार, ये डायग्राम ड्रॉ करना है तो कर लेना। पहले तो आप लिखो, हाँ पहले टॉपिक का नाम क्या लिखना है आपको स्टार्टिंग में? टॉपिक का आपको नाम लिखना है स्टार्टिंग में, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। हाँ बच्चों, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, तो क्या इफेक्ट होता है बच्चों? अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है? मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाती है। लिखो बच्चों जरा पहले आप लोग ये। द मेल्टिंग पॉइंट The melting point of ice, the melting point of ice decreases with increase in pressure. Decreases with increase in pressure. अब लिखो बच्चों इसमें फिनोमिना, रीग्लेशन इफेक्ट है, इफेक्ट। हटोली बेटा वहां से खड़े हो जाओ, पैसा खड़े हो जाओ, बाजो पीछे। The phenomena in which ये बच्चों डेफिनेशन है रिग्रेशन फिनोमिना की। द फिनोमिना इन विच आइस मेल्ट, द फिनोमिना इन विच आइस मेल्ट व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, व्हेन प्रेशर इज increased increased and again refreeze, and again refreeze when pressure is removed, refreeze when pressure is removed is called regulation. स्लो होता है, स्लो तभी तो इनका टेम्परेचर चेंज होता, ठीक है। लेकिन ये आइडियल कंडीशंस में तो पॉसिबल ही नहीं है ना।
वहाँ तो थोड़ी बहुत कंडीशन को इमेजिन करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में रखा रहा है और आपका हाथ गर्म है तो हाँ ये पॉसिबल नहीं है। बच्चों अब हम बात करेंगे कि जैसे हमने देखा कि प्रेशर को चेंज किया हमने, तो प्रेशर को चेंज करने से मेल्टिंग पॉइंट हमारा चेंज हो गया, तो क्या प्रेशर को चेंज करने से बॉइलिंग पॉइंट में भी इसका इफेक्ट पड़ता है क्या? तो अगला टॉपिक है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। क्या बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट होता है, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड और गैसेस दोनों स्टेट को एग्जिस्ट कर सकती है ना, द टेम्परेचर एट विच, लिख लीजिए बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच the liquid and vapor state of substance can be coexist is called boiling point at normal pressure. अब देखो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट एट नॉर्मल प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एट नॉर्मल प्रेशर, हमने देखा कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल प्रेशर पे कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री पे आपका पानी उबलना शुरू कर देता है ना। आपने एक पतीला लिया, क्या लिया बच्चों, एक पतीला लिया और उस पतीले को आपने गर्म किया, उसको रखा चूल्हे के ऊपर और पानी इसके अंदर क्या है, पानी इसके अंदर है और इस पतीले के अंदर बच्चों मान लो चावल है, क्या है, चावल या दाल मान लेते, दाल है दाल, ठीक है ना। अब आपने क्या किया बच्चों, आपने इस पानी को हीट किया, पानी हीट नॉर्मल प्रेशर है अभी, पानी हीट होता गया और 100 जैसे ही यहाँ का थर्मोमीटर 100 डिग्री बोला, कितना बोला, 100 डिग्री, पानी ने बॉयल होना स्टार्ट कर दिया, पानी ने बॉयल होना स्टार्ट कर दिया। तो यहां तक इस दाल को जितनी हीट मिली थी मिली, अब जो हीट इसको मिल रही है वो हीट किसमें, वो हीट अब क्या, 100 डिग्री के बाद अब आप इसको और हीट दे रहे हो तो वो हीट अब दाल को गलाएगी नहीं, अब वो हीट क्या करेगी, वो हीट इस पानी के मॉलिक्यूल का स्टेट चेंज करेगी, इसको वेपर में कन्वर्ट करेगी, किसमें करेगी, वेपर में कन्वर्ट करेगी। थोड़ा बहुत तो आइडियली थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा प्रैक्टिकली, लेकिन मोस्टली जो हीट है वो किसमें मोस्टली हीट का जो काम होगा वो क्या होगा, ठीक है ना, लिक्विड मॉलिक्यूल को वेपर स्टेट में चेंज करना। कभी सुना है आप लोगों ने कि 100 डिग्री का आपने टेम्परेचर इसका बढ़ाया, 100 डिग्री पहुंच गया, 100 डिग्री के बाद इसका टेम्परेचर 101 डिग्री हो गया, अगर सुना भी होगा आप लोगों ने या आप कभी सोचते भी होगा ना ऐसा, तो वो सोचना भी गलत है आपका।